बैक टू माय चैनल गुडनूर सिंह आर्ट्स। माय नेम इज गुडनूर। सो गाइस, आज मैं आपको अपने सारे स्केचिंग मटेरियल्स दिखाने जा रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। सभी नजर की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आपको अब अपने सारे पेपर्स दिखा रहा हूँ। ये है मेरे कुछ पेपर्स। सबसे पहले है ये एक स्केचबुक, ये मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ करता हूँ और मैंने इसमें की भी हुई है। और उसके बाद है मेरे ये ड्राइंग पेपर, ये मैंने रिसेंटली बाय किए हैं। ये ड्राइंग आर्ट एसेंशियल्स की कंपनी के हैं। और उसके बाद है मेरे कुछ सिंपल युवा की ड्राइंग फाइल्स। इसका पेपर भी काफ़ी बढ़िया है ड्राइंग करने के लिए। मेरे पास 2 हैं। और इसके बाद है मेरे पास ये A3 साइज का कार्ट्रिज पेपर, A3 साइज का कार्ट्रिज पेपर। और ये कुछ ऐसे हैं, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, रफ है थोड़ा सा। और ये मेरी युवा की स्केचबुक और इसका टेक्सचर आप कुछ ऐसा देख सकते हैं। ये कार्ट्रिज पेपर है एक टाइप का। और मेरे पास ऐसी 2 स्केचबुक्स हैं। फिर पेंसिल्स में मेरे पास है अप्सरा की पेंसिल्स, फिर है कैमलिन की। ये सारी 8B पेंसिल्स हैं, ये सब 8B हैं। और ये मेरे फैबर कैस्टल की है 2B से लेकर 8B तक की। फिर मैकेनिकल पेंसिल्स हैं 3। ये है मेरे पास 3 बॉक्सेस इसकी लीड्स की। एक है 0.7 की 2B और एक है 0.5 की HB और 2B। फिर है मेरे पास कोहिनूर की 5 पेंसिल्स। ये है 3B से लेकर 8B तक की है। फिर है मेरे पास कोहिनूर हार्डमत की 8B वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल्स। ये लार्ज एरिया को शेड करने के लिए अच्छी है। फिर है मेरे पास 3 टॉम्बो की पेंसिल्स, HB, 4B और 2B। फिर एक स्टेडलर की 2 पेंसिल्स, 10B और डबल ई। जो इसकी डबल ई है वो काफ़ी डार्क होती है, जैसे सॉफ्ट कैमलिन चारकोल पेंसिल होती है। फिर इसके बाद है मेरे पास 6 चारकोल पेंसिल्स सॉफ्ट की और 4 चारकोल पेंसिल्स नॉर्मल की। फिर मैं आगे है टॉम्बो मोनो 0 इरेजर। ये टॉम्बो मोनो 0 इरेजर है, ये मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग्स के लिए, जैसे हेयर्स में हाइलाइट्स डालने के लिए। आप इसकी लीड्स भी देख सकते हैं कितनी पतली है, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसी है, काफ़ी पतली है। और मैं इसे ऐसे रखता हूँ। फिर है मेरे पास इसका एक रिफिल्स, 2 आती है ऐसे बॉक्स में ऐसी। फिर है 3 वाइट जेली रोल पेन से पूरा के। और ये है ब्लेंडिंग ब्रशेस, 3 है मेरे पास। फिर है ब्लेंडिंग स्टम्प्स, इसका मैं कम ही इस्तेमाल करता हूँ। और बाद में है मेरे पास एक सकूरा का 0.05 का माइक्रॉन, जो सबसे पतला होता है। फिर 3 ग्लास मार्किंग पेंसिल्स। उसके बाद है मेरे पास एक कटर, जो मैं चारकोल या फिर स्टेडलर की डबल ई पेंसिल को शॉर्प करने के लिए यूज़ करता हूँ। और उसके बाद है मेरे पास कोहिनूर की वाइट चॉक पेंसिल, इसे मैं ब्लेंडिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ। और इसके बाद है मेरी एक अप्सरा की क्लच इरेजर। फिर ये है मेरे पास 2 नीडेड इरेजर्स फैबर कैस्टल की और 2 सिंपल इरेजर्स। ये है मेरी वॉशी टेप, इसे मैं यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग के लिए, बॉर्डर्स जो साइड में बनाते हैं। फिर है आखिर में आते हैं मेरे कुछ ये स्केल्स, जो मैं ग्रिड बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। फिर है ये मेरे शार्पनर्स, फिर ये सैंड पेपर। और फिर बाद में आते हैं ये सिंपल डॉम्स के 24 शेड्स के कलर्ड पेंसिल्स। और गाइस, ये सब थे मेरे कुछ मटेरियल्स ड्राइंग के लिए, जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो तब तक के लिए बाय बाय।